हाई बी बोल्ड बी ओरिजिनल एंड बी फियरलेस टूडे इज फर्स्ट ऑफ नोवर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट एस है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर हैं लार्जेस्ट आर्की पैलागो इन द वर्ल्ड इसका नाम है मलय इंडोनेशिया एंड मलेशिया दिस आर्गो इज द लार्जेस्ट इन दर्ल्ड लार्जेस्ट पैनसुला हैली एंड ले बाय डोबार में डेंड्रेटिक रिवर्स का पैटर्न होता है ड्रेनेज पैटर्न होता है रिवर्स का डेंड्रेटिक जो होता है वो रिजेंबल करता है ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को इएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स है अभी रिसेंटली दिस इज सिक्सटीन नाइनटी मीटर जिंदा गढ़ा पीक सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन आज के सवाल हैं विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिसमिल्ला खान यूज टू प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू हैव टू टेल द नेम पिंग पोंग डिप्लोमेसी अक्सर इंटरनेशनल अफेयर्स में बोला जाता है ये डिप्लोमेसी इज रिलेटेड टू टू कंट्रीज वेयर इज द द्वार्टवार ऑफ इंटरपोल लोकेटेड वेयर इज दिस दिसर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इसका नाम क्या है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वर्ल्ड में हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कुछ दिन पहले देखा था सी आई सी अपॉइंटमेंट यू हैव टू टेल द नेम ये एक रिवर है यार्लंग सेंपो बट हम इसको किसी दूसरे नाम से जानते हैं हाउ डू यू नो यार्लंग सैंग को बेटर सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज हम पढ़ेंगे नेशनल यूनिटी डे के बारे में वी विल टॉक अबाउट गैलरी सर्ट एन फोटोग्राफ्स फिफ्थ हरियाणा डे वैसे फर्स्ट ऑफ नवंबर में ये स्टेट फॉर्मेशन डे इन सारे स्टेट्स का है विल टॉक इन डिटेल अबाउट हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ देन टूवर्ड्स नॉर्मेलसी दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज संडे है तो एडिटोरियल्स नहीं आते हैं ज हाईटेक ट्रांसफर ये जो चार टर्म्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनको हमें डिटेल में समझना है दीज ऑल फोर पैक्ट फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स देन एट्थ इज अमेंडमेंट लैंड लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट इसमें रिसेंट क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं नाइन्थ इज द कमिंग टूगेदर ऑफ द क्वाड इन दी मालाबार नेवल एक्सरसाइज देन मैप में पेनंसुला टॉक अबाउट दिस इटैलियन पेनन्सुला इसका मैपिंग देखेंगे

सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी ये वन हंड्रेड फोर्टी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी थीयरुक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है एकता दिवस का परेड हुआ टू थाउजेंड फोर्टीन से ये स्टार्ट हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवाडिया गुजरात में है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ स्टैंडिंग टॉल प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्ट कर रहे हैं एकता दिवस परेड को नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑन सैटरडे सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कोट है बाय कॉमन एंडेवर बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू अ न्यू ग्रेटनेस कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू अ न्यू ग्रेटनेस न्यूटने लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू फ्रेश कैलॉमिटीज ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने साल रूल क्यों किया वो क्या करते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते थे सो वी हैव टू लर्न हैर्न यूनाइटेड वी स्टैंड डिडेड वी फॉल दूनाव गॉट डाइवर्सिटी बट वी है यहाँ पे आई एस प्रोबेशनर्स को भी एड्रेस किया था आई ए एस प्रोबेशनर्स जो होते हैं ये जो जॉब है अक्सर इस पे ये टैग लग जाता है दिस इज बाबूडम बाबू माइंड सेट होता है मतलब पेपर पे पेपर फाइल पे फाइल एक्चुअल में काम जो होता है उसमें ब्यूरोक्रेटिक डिले हो जाता है बिकॉज हर चीज का एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा फाइल वर्क होगा तो वर्क डिले हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अब प्राइम मिनिस्टर ने ये जो सारे पॉइंट्स कहे ना दे ऑटोमेटिकली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग सो गेट आउट ऑफ बाबू माइंड सेट एस प्रोफेशनर्स जो है उनको कहा गेट आउट ऑफ बाबू माइंड गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो एज फैसिलिटेटर होता है एनकरेज करना है फैसिलिटेट करना है मैक्सिमम गवर्नेंस इनेबलर करना है हर्डल नहीं बनना है गवर्नमेंट को बीच में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस एम ऑफ सिविल सर्वेंट्स शुड बी एम्पावर शुड बी टू एम्पावर द कॉमन मैन सी एक बार पहले भी जब इसका यूपीएससी का जब मेंस का हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो आई सेट दिस इन दैट वीडियो कि हर एग्जाम का हर एम्प्लॉयमेंट का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होता है आप आर्म्ड फोर्सेस में जा रहे हो वहाँ रिक्वायरमेंट अलग है कॉरपोरेट्स एम कर रहे हैं इसका रिक्वायरमेंट अलग है सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में आ रहे हैं इसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है इट इज़ नॉट अबाउट इट इज़ नॉट अबाउट समथिंग लाइक जम जो था इट इज नॉट अबाउट दैट इट इज मोर अबाउट सर्विस इसमें नाम ही लिखा है सर्वेंट सर्वेंट का मतलब होता है यू हैव टू सर्व यू हैव टू सर्व द कंट्री एम ऑफ सिविल सर्वेंट शुड बी टू एम्पावर द कॉमन मैन यंग जो ऑफिसर्स होते हैं यंग ऑफिसर्स शुड टेक डिसीजन इन द कॉन्टेक्स ऑफ द नेशन इंटरेस्ट ये जो यंग होते हैं ना यूथ होते हैं इनमें बहुत पावर होता है चेंज करने का बिकॉज दे ब्रिंग न्यू चेंजेस न्यू रिफॉर्म्स नया माइंड आता है नई सोच आती है

आज हम केवल एक ही सवाल करते हैं आप इसका जवाब दो योर आइडिया ऑफ बींग सिविल सर्वेंट आप इसको कैसे इमेजिन करते हो क्या इस सिविल सर्वेंट में आप देखते हैं इस पोस्ट पे इस डेजिग्नेशन पे इस वर्क प्रोफाइल में व्हाट आर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर मोटिवेशन वॉट डू यू वॉन्ट माई आइडिया ऑफ बींग सिविल सर्वेंट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कंसिडर इट एज एन एज ए पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन योर आइडिया ऑफ बींग अविल सर्वेंट अपने जितने भी थाट्स है ना उसको स्ट्रक्चर करिए समराइज करिए और लिखिए यह प्रोसेस आप जैसे ही कंप्लीट करोगे ना आप देखना इतनी क्लैरिटी आएगी आपकी थॉट प्रोसेस पे टू डू दिस एक्सरसाइज योर आइडिया ऑफ बींग अविल सर्वेंट एंड ट्राई टू शेयर जब हम शेयर करते हैं ना तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है मोटिवेशन मिलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा आज थ्री हंड्रेड एंड फाइव सिक्स सिक्स डे हो गया है वाई बिकॉज एवरी डे आई शेयर माई वर्क जब मैं अपना काम शेयर करता हूं तो आई फील मोटिवेटेड एंड देन कंटिन्यूटी बनी रहती है सो दैट इज बाय एनकरेजिंग यू टू शेयर शेयर योर वर्क एंड बी बोल्ड बी फेयरलेस एज डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी बडी एनी थिंग आइडिया ऑफ बींग सिविल सर्वेंट राइट टू आंसर दिस क्वेश्चन ओके सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड देन ये सेकेंड है दिस इज अबाउट गैलरी फ्रीज फ्रेम सी वाइट आउट कार गेट्स अ फ्रेश कोट ऑफ स्नो लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश ऑन सैटरडे फ्रेश स्नो दिस इज सो ब्यूटिफुल देन दिस इज पार्क इन कोलकाता सेट टू टर्न वेस्ट इन टू आर्ट ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है रिसाइकलिंग कर रही है वेस्टेज जो होता है उसको रिड्यूस भी करना है और उसको रिसाइकिल भी करना है रिसाइकिल किया है आर्ट इंस्टॉलेशन एट द टायर पार्क इन कोलकाता इसका नाम है बस डिपो तो ये सारे क्या है ये टायर्स हैं इन टायर्स को रिसाइकिल किया और एक सम आर्ट म्यूजियम इंस्टॉलेशन ऐसा कुछ बना रहे हैं टर्न कर रहे हैं वेस्ट इन आर्ट आई नहीं होगा नो मोर इनफैक्ट ये ब्यूटीफाई हो रहा है और यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है सरकार म्यूजियम बना के तो दिस इज अ गुड वे सिमिलरली चंडीगढ़ में भी एक गार्डन है ऐसे ही वो वेस्ट मटेरियल से बहुत ब्यूटिफाई किया है आप उसका नाम बताइए और किसने बनाया है ये नाम भी बताइए सो दिस इज कोलकाता अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस फॉर्मेशन डे उसके पहले द ऑल्टर्ड कोर्ट ऑर्डर टू दीपल ऑफ हरियाणा ऑन देशन ऑफ फिफ्टी फिफ्थ हरियाणा डे आज नवंबर फर्स्ट को यह सेलिब्रेट हो रहा है संकल्प लेकर यह ठाना कोरोना मुक्त होगा अपना हरियाणा हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट वैसे तो आज फर्स्ट ऑफ नवंबर को स्टेट फॉर्मेशन डे पांच इंडियन स्टेट्स का है केरला का भी है हरियाणा का भी है मध्य प्रदेश का भी है छत्तीसगढ़ का भी है और कर्नाटका का भी है यहाँ पे हरियाणा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं सो अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं तो दिस इज हरियाणा नॉर्थ इंडियन स्टेट है न्यू दिल्ली को तीन साइड से कवर करता है तो ये सारे क्या है राज्य हैं एन में हरियाणा के कौन कौन से जिले आते हैं आंसर बताइए एन और एन में डिफरेंस हमने पढ़ा था एन में हरियाणा के कौन से जिले आएंगे तो ये है दिल्ली दिस इज अवर दिल्ली यहाँ पे यूपी है देन ये जो एरिया है तीन साइड दिस दिस एंड दिस, दिस ये हो जाता है हरियाणा तो दिस एंटायर दिस इज हरियाणा हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट मैप है ये दीज आर ऑल डिस्ट्रिक्ट अब हरियाणा की कैपिटल कहाँ है हरियाणा की कैपिटल है यहाँ पे चंडीगढ़ में चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है विथ पंजाब सो दिस इज हरियाणा हरियाणाइट नाउ नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव है छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है आगे छत्तीसगढ़ का दिस इज द एडवर्टाइजमेंट छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2020 स्टेट फाउंडेशन डे है फर्स्ट ऑफ नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट आई लिव्ड इन दिस स्टेट सब सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया सो दिस इज छत्तीसगढ़ हैवी फॉरेस्टेड स्टेट है सेंट्रल इंडिया में टेम्पल्स वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे यहाँ पे ये बहुत फेमस वॉटरफॉल है दैट इज दिस चित्रकूट फॉल्स चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर दिस इज वेरी ब्यूटिफुल चित्रकूट फॉल्स अब हमें स्टेट का क्या पता होना चाहिए स्टेट का हमें एक तो बाउंड्री पता होना चाहिए कि स्टेट किन दूसरे राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहा है जैसे ये छत्तीसगढ़ है तो यू शुड नो कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे यूपी से भी बाउंड्री शेयर कर रहा है सी यूपी देन दिस इज झारखंड देन दिस इज ओडिशा देन ये यहाँ पे थोड़ा सा आंध्रा का भी पार्ट आ रहा है देन दिस इज तेलंगाना महाराष्ट्र एंड देन दिस इज मध्य प्रदेश सो स्टेट्स में आपका जो भी स्टेट है आप अपने राज्य के बारे में ये एक एक्सरसाइज करना अभी आपका जो स्टेट है उस स्टेट की बाउंड्रीज आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में किन और राज्यों से आपकी बाउंड्री शेयर हो रही है सेकेंड जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं यू शुड नो अबाउट दम देन रिवर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर स्टेट स्टेट के नेशनल पार्क सारे वहां पे बाउंड्री और इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑल राइट तो दिस इज स्टेट फाउंडेशन डे स्टेट फाउंडेशन डे बाकी राज्यों का भी है समटाइम्स हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में देन दिस इज टूवर्ड्स नॉर्मल सी टूवर्ड्स नॉर्मेलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं अपन गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है बट कोविड नाइनटीन का थ्रेट अभी ओवर नहीं हुआ है टूवर्ड्स नॉर्मेलसी बैक इन बिजनेस हिल स्टेशन बीचेस जो है केरला के वो भी वेलकम कर रहे हैं विजिटर्स को फ्रॉम नवम्बर वन केरला ओपन फॉर पब्लिक फ्रॉम टूडे वाई बिकॉज रेवेन्यू फॉलो रहा है टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे एम्प्लॉयड है मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड सो गवर्नमेंट बैक इन बिजनेस प्रकॉशंस बट जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको रीस्टोर करना है केरला में अगर सोर्स ऑफ इनकम देखें ना तो दो मेजर सोर्स होते हैं केरला में एक होता है टूरिज्म केरला गॉड जोन कंट्री सो टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एंड रेमिटांस भी बहुत ज्यादा होता है बिकॉज केरला से बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो यहाँ पे वर्क करने के लिए जाते हैं एंड घर पर फिर वो पैसा भेजते हैं तो रेमिटांस इज ऑल्सो अ बिग सोर्स ऑफ दिस इनकम दिस इज फेस्टिव चर कलरफुल दिया इस बार लेटे प्लेज जो वेंडर्स हैं हमें इन्हें सपोर्ट करना है अर्दन लैम्प को ड्यूरिंग दीपावली गो लोकल गो लोकल एंड गो ग्रीन एज वेल समटाइम्स बैक हमने ग्रीन क्रैकर्स पढ़े थे ग्रीन क्रैकर्स का क्या कंपोजिशन है मटेरियल क्या होता है लेस पॉल्यूटिंग होते हैं दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट तो गो ग्रीन एंड गो लोकल फेस्टिव चीयर एंड प्रिकॉशन कोविड नाइनटीन के बैकड्रॉप में टाइग्रेस कीप्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ऑन

एक हेडलाइन है कि स्टबल बर्निंग एरिया हैज डिक्लाइंड दिस ईयर स्टबल एंड बायो बायोडिकम्पोजर बाय दिस पूसा इंस्टीट्यूट दिस इज इंपॉर्टेंट स्टबल बर्निंग का एरिया डिक्रीज हुआ है अभी मैं हरियाणा गूगल किया बट उसमें यह दिखा गया जो इमेजेस आए रिजल्ट्स में कि अभी भी स्टबल बर्निंग जो नासा सैटेलाइट्स है वो दिखा रही है कि स्टबल बर्निंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बट कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये कम हुआ है देन

जेम्स बॉन्ड लेजेंड्री 007. ओ सेवन देन दिस इज आई सी आई सी बैंक नेट राइजे सिक्स करोड़ यहाँ बताया है सिस्को ने कि जो वर्क फ्रॉम होम है वर्क फ्रॉम होम क्या होता है जैसे अभी इंटरनेट बढ़ गया है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है तो बहुत सारा जो वर्क है ना वो हम अपने ऑफिस में नहीं घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड दिस वर्क फ्रॉम होम इससे रूरल बॉयसी बढ़ा है इसने इन अ वे काफी नए अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दिए हैं बिकॉज इससे क्या होता है वर्क फ्रॉम होम से काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं एक बेनिफिट है कि जैसे ऑफिसेज हैं ऑफिस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है ऑफिसेज इस कॉस्ट को कट डाउन कर सकते हैं सेकेंड जो मेट्रोपॉलिटन में मूव इन करना है जैसे बैंगलोर में आप रहते हो वहाँ का ट्रैफिक ना इट्स नाइटमेर इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया है बैंगलोर की वहाँ पे डिफिकल्ट होता है अर्बन डिफिकल्टीज आती है अगर वर्क फ्रॉम होगा तो बहुत सारे ये जो पॉपुलेशन है ये डिफ्यूज हो जाएगी अलग अलग शहरों में तो इससे अगेन क्या होगा बैंगलोर जैसे शहरों पे भी प्रेशर कम होगा तो वर्क फ्रॉम होम के भी अपने नए एडवांटेजेस हैं और जो स्मॉल टाउन्स हैं उनमें जॉब क्रिएशन काफ़ी हुआ है बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एनेबलर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो गया है तो दिस इज ओपनिंग अप न्यू वर विस्टास नए एवेन्यूज ओपन कर रहा है काम करने के तरीकों में पर वर्क फ्रॉम होम के अपने चैलेंजेस भी होते हैं डिसिप्लिन में रहना डिफिकल्ट हो जाता है देन पी आर जो होता है एक्चुअल ऑफिस लर्निंग होती है वो वर्क फ्रॉम होम में मिसिंग होती है मैनी टाइम्स एफिशियंसी थोड़ी कम हो जाती है सो देर आर सर्टन चैलेंजेस एज वेल तो यहाँ मेन जो रास्ता है वो है हाइब्रिड मॉडल फॉलो करें हाईब्रिड मॉडल एक बैलेंस हो दोनों चीजों का जैसे एजुकेशन एजुकेशन में भी कम्पलीटली ऑनलाइन डिजिटल होना इज अ बिग नो कम्प्लीटली ऑफलाइन होना भी गो ऑन आर दो यू हैव टू बी हाईब्रिड देन दिस इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आदित्य पुरी साहब है एच डी एफ सी बैंक के चीफ रहे हैं एम डी सी ओ अभी ये रिटायर हो रहे हैं देन स्लैश रेपो लिंक रेड बाई फिफ्टीन बेसिस पॉइंट अब एडिटोरियल नहीं है आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट्स में पहला जो बात आया है बैट विजडम पर पास्ट समटाइम्स जो बैट्स है ना ये रॉन्ग न्यूज के लिए ज्यादा है जूनॉटिक डिस के लिए ये काफी ज्यादा इनफेमस हो गए थे बैट विजडम बैट विजम क्या है ना ये इनकी सोसाइटी में स्टडी में ये पाया गया कि अगर एक बैट अगर इन्फेक्शन हुआ बीमार है तो वो खुद ही अपने आप को सेपरेट कर लेता है अपने ग्रुप से सो देट अदर्स डोन्ट गेट इनफेक्टेड इकोलॉजी अगर वो सिख हुआ तो बैट्स इंटरैक्शन उसने कम कर दिया सो देट स्प्रेड नहीं हो तो वी लर्न दिस लेसन ह्यूमंस ह्यूम लर्न दिस लेसन कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में ये है कॉस्मिक गेज सी हमने यूनिवर्स देखा यूनिवर्स में हमने पढ़ा व्हाट इज दिस गैलेक्सीज अभी जब नोबेल प्राइज पढ़ रहे थे तो हमने गैलेक्सीज के बारे में देखा स्पाइरल शेप जो हो रहा है मिल्की वे का वो क्यों है गैलेक्जीज हैं गैलेक्जीज में पहले तो बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एक ऐसे ही स्टार में हमारा प्लान अर्थ है तो देर इज वन हंड्रेड परसेंट पॉसिबिलिटी कि देर इज सम इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म समवेयर इन द यूनिवर्स जो ह्यूमन काइंड से बेटर भी हो सकती है हमसे ज्यादा एडवांस भी हो सकती है वो सोसाइटी वो दिस लाइफ फॉर्म तो कॉस्मिक गेज कॉस्मिक गेज मतलब कि जैसे अर्थ का जो एलेप्टिक प्लेन है जिसमें अर्थ घूम रही है ऐसे तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कॉर्नल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स हैं जैसे हमारा प्लैनेट है ना ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स हैं वो हम पे गेज रख रहे हैं हम पे नजर रखे हुए हैं देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड आई टू बिलीव इन दिस देर इज अ पॉसिबिलिटी एलियन लाइफ इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ डू एग्जिस्ट होना चाहिए स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है उसमें उन्होंने इसको काफी अच्छे से बताया था कॉस्मिक गेज टफ बग अब ये स्नैपशॉट्स है दिस इज अबाउट कोविक्स कोविड वैक्सीनेशन ये जो कोविड का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है इसका शेल्फ लाइफ काफी कम है न्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो विल जस्ट अ ब्रीफ इंडिया पोटेंशियल पार्टिसिपेशन इन कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट इज अंडर वे सो एक बताया है कोविड इंडिया दिस एंड ऑल लेट सी हाउ वॉटर बीयर्स सर्वाइव लीथल यू रेडिएशन यू रेडिएशन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं सन यूवी रेडिएशन आता है तो पर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में एक शील्ड है जिसकी शील्ड है ओजोन की शील्ड ये ओजोन की शील्ड होती है ये हमें यूवी रेडिएशन से बचा के रखती है जहां ओजोन की शील्ड अगर गैप हुआ है होल हुआ है जैसे सदन में अंटार्क्टिका के पास तो इससे यूवी वी रेडिएशन आते हैं यूवी रेडिएशन आते हैं तो हमारी स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सो दैट इज़ बाय हमने ओजोन लेयर को फिल करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स किए मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियलोल रेडिएशन इज बैड बट ये जो स्पीशिज है इसके पास फ्लोरसेंट शील्ड है और ये सर्वाइव कर सकती है यू वी रेडिएशन तो दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी टफ बर्ग है ये सर्वाइव किया बियॉन्ड थर्टी डेज आफ्टर फिफ्टीन मिनट एक्सपोजर टू दिस जर्मी साइडल यू वी रेडिएशन अब जर्मी साइडल क्यों है बिकॉज जैसे आपके यहाँ अगर हम इसमें देखते हैं आर ओ वॉटर में देखते हैं बट दिसन तो दिस इज ऑल्सो वन फाइंडिंग देन दिस इज स्पायरल गैलेक्सी बार्ज में प्रिवेंट न्यू स्टार्स अगेन देर इज अ थ्योरी देर इज अ कैविटी फॉर्मड इन द सेंट्रल रीजन विद नो गैस इन स्टार्स लॉन्ग हॉल है वी बिलीव इट विल टेक अ फ्यू मिलियन ईयर्स फॉर द बार टू इवैकुएट द गैस दैट फॉर्म्स स्टार सो दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एरिया है अगर आप यू पी एस सी परस्पेक्टिव से देखें तो वो जो होता है ना अगर कोई प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे ई लीजा हुआ या फिर इससे रिलेटेड इंडिया के इसरो ने या फिर नासा ने कोई वर्क किया है दे गेट वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज थ्योरीज दिस ऑल कीप ऑन कमिंग अब ये म्यूटेशन है म्यूटेशन कोरोना वायरस में है दिस इज म्यूटेशन बिकॉज कोरोना वायरस का ये एक वायरस है और वायरस की दो स्पेशलिटी होती है कि ये डेड भी होता है और लिविंग भी होता है इसको एक होस्ट चाहिए होता है होस्ट होस्ट हमारी जैसे बॉडी में होस्ट मिल गया तो वायरस इज डेड एंड लिविंग एज वेल अब बिकॉज लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वायरस क्या करता है म्यूटेट करता है म्यूटेट इन द सेंस वो अपना फॉर्म चेंज करेगा कोविड नाइन्टीन का जो एक स्ट्रेन था स्टार्ट हुआ वुहान से और आज जो फैल रहा है दोनों में काफी डिफरेंस आ गया है ये डिफरेंस जो आया है दैट इज वाई इसका वैक्सीनेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है आपने वैक्सीनेशन एक स्ट्रेन का बनाया वायरस इवॉल्व हो जाएगा फिर ये वैक्सीनेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी सो दिस इज द चैलेंज म्यूटेशन इन कोरोना वायरस म्यूटेशन वॉज सीन इन सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द जीनोम सीक्वेंसड फ्रॉम अप्रैल वन टू मे एटीन सी म्यूटेशन हो गया है म्यूटेशन मतलब वायरस ने चेंज कर लिया मॉडिफाई कर लिया इवॉल्व कर लिया लिविंग भी है और डेड भी है ये सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक और यहाँ पे न्यूज है दैट इज वॉट एक्सप्लेन द एनोमलस एनाइज मैग्नेटिज्म सीन ऑन द मून मून मैग्नेटिज्म अबाउट दिस देन दिस इज एफ ए एफ ए में हम बात करेंगे यहाँ पे हाईटेक ट्रांसफर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है इसको हम डिटेल में देखेंगे स्विंगिंग यूएस पोल ऑन होम स्ट्रेच सी ये न्यूज अभी थर्ड ऑफ नवंबर को शेल्फ लाइफ एंड हो जाएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे थर्ड ऑफ नवंबर को स्विंग स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स जैसे यूएस में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं रिपब्लिकन हैं डेमोक्रेट्स हैं और ये जो स्टेट्स है ना बीच में ये स्विंग स्टेट्स है यूजली सबका फिक्स्ड रहता है कि ये रिपब्लिकन है ये डेमोक्रेट है मोरलेस वो उसी लाइन पे वोट करते हैं स्विंग स्टेट अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं और ये डिसाइड करते हैं आउटकम ऑफ इलेक्शन दिस इज अबाउट यूएस पोलोन होम स्ट्रेच दिस आर्टिकल वी नीड टू टॉक इन डिटेल हाई टेक ट्रांसफर अभी टू प्लस टू डायलॉग हुआ टू प्लस टू डायलॉग हुआ यूएस के डिफेंस एंड फॉरन मिनिस्टर इंडिया में विजिट हुए काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग हुआ और हमने फाइनली बेका साइन किया ये जो चार नाम है ये इंपॉर्टेंट है जब भी यूएस डिफेंस टाइज आता है दीज नेम्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर फर्स्ट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन अग्रीमेंट जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट ये हुआ था 2002 हजार में लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट लेन कॉम कासा कॉम कॉम्युनिकेशन कॉम्युनिकेशन कॉम्पैटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट ये हुआ था 2018 में फिर बेका बेका 2020 में हुआ था तो ये चार ना इमिजिएटली दिखने चाहिए आंसर्स में वेन एवर यू आर राइटिंग इंडिया यूएस डिफेंस टाइज अब सी ये है फोर्थ और ये लास्ट है फाउंडेशनल एंड इनेबलिंग अग्रीमेंट का अब इसका क्या मतलब होता है फाउंडेशनल एंड इनेबलिंग अग्रीमेंट टू सी यूएस ना बहुत सारे कंट्रीज के साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन करता है हंड्रेड से ज्यादा कंट्रीज के साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन है बट अग्रीमेंट्स का जो लेवल होता है ना वो डिफरेंट होता है और अग्रीमेंट्स कंट्री स्पेसिफिक भी होते हैं जैसे इंडिया के साथ अभी ये चारों के चारों अग्रीमेंट साइन हो गए तो दिस कंप्लीट्स दिस फाउंडेशनल नेबलिंग अग्रीमेंट अब यूएस वर्ल्ड पुलिस भी है इंडिया की भी प्रेजेंस है इंडियन ओशन में एंड अदर एरियाज में हम दूसरे कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में भी ऑपरेशन करते हैं तो जब हम कहीं और ऑपरेशंस कर रहे हैं सो वी नीड सर्टन लॉजिस्टिक्स हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए होता है तो दैट इज बाय जो कंट्रीज है वो ऐसे एक्सचेंज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड लॉजिस्टिक्स का अग्रीमेंट करती है सो so दैट उनकी इंटर ऑपरेटिलिटी बढ़ जाए वो वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर पे काम कर सकती है आपकी आर्म फोर्सेस डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इंटर ऑपरेबिलिटी हो और वो रियल टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन मिले बिकॉज इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जैसे डेटा करेक्ट है तो पॉलिसी करेक्ट है ऐसे ही इंटेलिजेंस अगर करेक्ट होती है तो डिसीजन मेकिंग करेक्ट हो जाती है तो इंटेलिजेंस के लिए देश मेक सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट दीज टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट इंडिया अकेला नहीं है बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के साथ भी ऐसे अग्रीमेंट साइन है अब वन बाय वन हम इनका एक ब्रीफ एक जनरल ले आइडिया ले लेते हैं तो फर्स्ट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट नाम पढ़िए जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री मिलिट्री इंफॉर्मेशन का अग्रीमेंट है नाम का अगर मीनिंग एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं ना तो वो अपने आप याद हो जाता है कि इसमें हम किस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन और इसका एक्सटेंशन हुआ था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनेक्स जो 2019 में हुआ था तो ये 2002 फिर 2019 में इसका एक्सटेंशन हुआ अब नाम में क्या लिखा था तो उसी का फर्दर एलेबोरेट होगा मिलिट्री टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन है इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बीच में दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट एंड कंपनीज के बीच में दोनों कंट्रीज सो वॉट इज दिस जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट इंफॉर्मेशन जो है क्लासिफाइड वो फ्रीली एक्सचेंज होगा इंडिया और यूएस में सो दिस इज नंबर वन 2002 से 2019 कंप्लीट दिस जी एम अब सेकंड सेकंड का भी वर्ड मीनिंग देखिए लेमुआ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है लॉजिस्टिक्स के लिए है तो लॉजिस्टिक्स मतलब जैसे कंपनी ऑपरेट कर रही है मिलिट्री ऑपरेट कर रही है उसको लॉजिस्टिक्स चाहिए यूएस का एक प्लेन फ्लाई कर रहा था फ्यूल कम हो गया उसको इंडिया में उसने ड्रॉप किया और फिर यहाँ पे रिफ्यूल किया सो दिस इज लॉजिस्टिक्स प्लेन्स शिप्स स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस इन सब के लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट देंगे तो so यूएस का जैसे पी एट एयरक्राफ्ट है पोर्ट ब्लेयर में लैंड हुआ रिफ्यूल हुआ लेमोआ के अंदर सो दिस इज लेमोआ तो ये था फर्स्ट ये था सेकेंड अब थर्ड है कॉमकासा यहाँ लिखा ही कॉम्युनिकेशन है एयरक्राफ्ट है सिक्योर्ड जैसे अभी बोइंग के हमने स्पेशल प्लेन्स लिए हैं वी वी के लिए इनमें कॉम्युनिकेशन कैसे हो रहा है और वो एनक्रिप्टेड है या नहीं है सिक्योर है या नहीं है उसके लिए होता है कॉमकासा इंडियन फोर्सेस प्रोड्यूस करेगी एडवांस्ड सिक्योर कॉम्युनिकेशन इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस जैसे कि हमने सी सेवेंटीन है सी वन थर्टी है कमर्शियल सिस्टम्स भी हम यूज कर रहे हैं तो कॉमकासा इज बेसिकली इनेबलिंग सिक्योर एंड एनक्रिप्टिंगम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट दिस डिवाइसेस डिफरेंट एयरक्राफ्ट डिफरेंट मशीन ऑफ दिस मिलिट्री यूजेज एंड स्पेशल तो दिस इज कॉमकासा दिस इज फॉर कॉम्युनिकेशन अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस बेका बेका अभी फाइनली 2020 में साइन हुआ बेका का भी फुल फॉर्म क्या है जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन मतलब जीपीएस एंड ऑन हो जाएगा लोकेशंस आ जाएंगी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगी दिस इज बेका अकिंग टू अ जीपीएस ये नेविगेशन में हेल्प करेगा एक्सचेंज होगा जियो स्पेटियल इन्फॉर्मेशन फ़ॉर एग्जाम्पल हमने एक मिसाइल छोड़ना है एक ड्रोन डालना है हमें अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो एक्यूरेसी बदल पता चल जाएगी और यूएस का एडवांसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जीपीएस में तो जब बेका का हमें एक्सेस है तो ये जियो स्पेटियल इन्फॉर्मेशन हमारी एनहेंस करेगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी हमारे मिसाइल सिस्टम की यूटिलिटी बढ़ जाएगी ड्रोन की तो दिस इज़ अनमैंड एरियल व्हीकल्स

2005 में सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुआ इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया यूएसए ने यूएसए ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बोला कन्वर्जेंस ऑफ टाइज अब सवाल ये उठता है कि टू क्लोज टू द यूएस अगर हम यूएस के बहुत क्लोज आएंगे तो यूएसए का जो चैलेंजेस हैं पॉलिसीज हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ जो पॉलिसी है इंडिया वुड बी ड्रैग इन टू दैट और ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फिर एक सवाल उठेगा तो दिस इज वॉट इज वेरी डियर टू अस हमारा रिलेशन जो चाइना के साथ है वो सेपरेट है हमारा रिलेशन जो यूएसए के साथ है वो सेपरेट है वी डू नॉट वॉन्ट टू मिक्स दिस थिंग दीज टू थिंग्स तो दिस इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अब इसमें फर्दर देखते हैं कैसे डेवलपमेंट होते हैं आगे अमेंडेड लैंड लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट अब ये सेकेंड आर्टिकल है इसमें फिलहाल के लिए अभी सरकार ने ये लॉज निकाले हैं इसमें अभी और अमेंडमेंट होंगे चेंजेस भी आ सकते हैं द अमेंडेड लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा आगे है ओपन फॉर सेल्स में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अब जैसे जो लैंड खरीदने में रिस्ट्रिक्शंस थे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का अगर कोई पर्सन वहाँ पे लैंड लेना चाहता है डोमिसाइल नहीं है उसमें अब इन्होंने चेंजेस लिए हैं ओपन फॉर सेल है और गवर्नमेंट ने लॉजिक ये दिया था कि अगर लैंड ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शंस थे लैंड परचेज सेल में रिस्ट्रिक्शंस थे तो उससे इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो रहा था गवर्नमेंट yes, का लॉजिक है तो गवर्नमेंट ने इस लैंड परचेज दिस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया है ओपन फॉर सेल कर दिया है अब इसमें ये पॉलिसीज दिया नए लॉज आ गए कि लैंड ले सकते हैं एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट भी इजीली हो सकता है डीसी अप्रूवल है सो देर आर सर्टेन रिलैक्सेशन यहां पे दिया है द आइडिया इज दिस कंप्लीट दिस ऐसा कुछ यूनिफिकेशन हो और जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन में उसको हम चेक करें ये गवर्नमेंट के लॉजिक है अब इसका काउंटर क्या होता है काउंटर ये होता है कि हर पॉलिसी में पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल प्रोसेस है वो मस्ट है टू सी स्टेबिलिटी विथ सेफ गार्ड करें इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को जितने भी इशूज हैं अप्रीहेंशन है उसको एड्रेस किया जाए ऑल इशूज रिलेटेड टू लैंग्वेज डेमोग्राफी इथेनिसिटी लैंड जॉब्स दिस शुड बी एड्रेस्ड विथ प्रायोरिटी सेंटर का जो पॉलिसी है टूवर्ड्स जैक बी बट्रेस बाय रोबस्ट पॉलिटिकल प्रोसेस इनेबल करें पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर करें स्टेबिलिटी विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो दिस इज द कोर थिंग ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का ये हाईलाइट होता है तो अमेंड लैंड लॉस फॉर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट सो दीज आर द चेंडमेंट ये हुए हैं गवर्नमेंट लैंड होल्डिंग में अगर लद्दाख की बात करें तो मेन जो पार्टीज हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है लद्दाख नॉट जम्मू एंड कश्मीर ऑन लैंड लॉ एंड जॉब प्रोटेक्शन में लद्दाख में हैव नॉट येट बीन नोटिफाइड लोकल लीडर्स डिमांडेड इंक्लूजन इन दिक्कत शेड्यूल में ये डिमांड करने की बात कर रहे हैं जैसे ए एम टी एम है सिक्सथ शेड्यूल में ऐसे लद्दाख में भी डिमांड है बट फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है दिस इज अगेन एन ऑनगोइंग थिंग इसमें अभी और क्लैरिफिकेशन आएगा कमिंग टूगेदर ऑफ द क्वाड इन दी क्वाड क्वाड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और नाउ वी हैव टू नो द बेसिक्स व्हाट इज क्वाड क्वाड क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ऑस्ट्रेलिया अब बार ज्वाइन करेगा इंडिया जापान और यूएस को एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होगी कहाँ पे मालाबार में मालाबार इधर होता है बट फिलहाल फर्स्ट फेज अभी विशाखापट्टनम में होगा सेकेंड फेज अरेबियन सी में होगा कंट्रीज सी टू डीपन देयर मैरीटाइम कोऑपरेशन ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो रही है बिकॉज चाइना का यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली दिस प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है और बैलेजरेंस एटीट्यूड भी है मालाबार जो था ये स्टार्ट हुआ था पैसेज एक्सरसाइज 1992 में नेवीज ऑफ द इंडिया एंड द यूएस में मालाबार जो था पैसेक्स 1992 नेवीज ऑफ द इंडिया एंड द एस अब इसमें पॉज आया नाइनटीन में इंडिया का न्यूक्लियर डील हुआ जब तो रिस्ट्रिक्शंस आ गए सेंक्शन भी लगे फिर ग्रेजुअली ये फिर से रिज्यूम हो गया ओवर द ईयर इस एक्सरसाइज का स्कोप भी बढ़ा जापान परमानेंट मेंबर बनेगा और अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी अभी इनवाइट किया गया है अब दो चीज होती है क्वाड क्वाड और एशिया पैसिफिक ये दोनों वर्ड्स बहुत न्यूज में है अभी क्वाड मतलब मिलिट्री स्ट्रैटेजिक है दैट इज दिस क्वाड इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिको इकोनॉमिक चीज़ है एशिया पैसेफिक दोनों में जो कॉन्स्टेंट फैक्टर है दैट इज दिस चाइना चाइना को अंडरप्ले करना डिफिकल्ट है बिकॉज लुक एट द फिगर्स नंबर देखिए चाइना के कहां थर्टी कहाँ टू फिफ्टी टू एट्टी सेवन सेवन थर्टी सेवन इकोनॉमिक पैसा और पैसा आता है तो जियोग्राफी जियो स्ट्रेटेजी सब चेंज हो जाती है कंट्रीज की जैसे श्रीलंका के स्टेटमेंट हमने देखे सो ट्रेड एंड द नेबर्स में चाइना इज अ अंस्टेंट फैक्टर वी नीड टू कीप दिस इन पॉइंट इन माइंड चाइना के डीप टाइज हैं इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी रीजनज में चाइना का इन्फ्लुंस बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक्स की रोल है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ट्रैगमेटिक और रियलिस्ट होना ज़रूरी है ये जो नेवल एक्सरसाइज होगा फेज़ वन इसका अभी है नवंबर थ्री टू सिक्स और फेज़ टू होगा सत्रह से बीस अरेबियन सी में दिस मालाबार एक्सरसाइज में मैसेज ये है कि इंडिया जो पहले इनिशियली रिलेक्टेंट था कि ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करे या नहीं करे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आया तो चाइना को अलार्म हुआ तो हम ये रिस्क लें या नहीं लें बट अभी ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया है इंडिया ने अगस्त में ये चेंज डिसीजन लिए बैकड्रॉप ऑफ ऑन गोइंग टेंशन विद चाइना इन ईस्टर्न लद्दाख में लद्दाख में जो टेंशन है उसके बैकड्रॉप में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया दिस मालाबार एक्सरसाइज में बट ये 2020 का डिसीजन है फ्यूचर जो है वो अभी उस बारे पे कोई फॉर्म कमिटमेंट नहीं दिया गया है अपसी ये जो चीज़ है ना ये आता है इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट में इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वर्ड जो होता है इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं एक होता है प्रिलिम्स एक होता है मेन्स प्रिलिम्स में जो मोस्टली आता है दैट इज दिस मैपिंग पार्ट यू शुड नो द लोकेशन डिफरेंट क्या हो रहा है एंड जो सेकेंड मेन्स होता है मेन्स में अगेन डू वॉच दिस वीडियो जो प्रिलिम्स मेन सिलेबस का हमने वीडियो बनाया है अ लोग मेंस में जो है ना वो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इंडिया के नेबर्स हैं एंड जो वर्ल्ड डेवलपिंग है इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो दिस इज़ मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स इंडिया बहुत सारी जगह इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हम उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखें फॉर एक्ज़ाम्पल यहाँ चिली में क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं इट्स ओके हैव अ टैब कि क्या हो रहा है बिकॉज इन दिनल स्टडीज के पेपर में क्या दो तीन लाइन लिखी हुई है कि एक एवरेज वेल रेड पर्सन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन यू डू नॉट है सफिशियंट नॉलेज होना चाहिए एक रीजनेबल डेप्थ में आपको समझ होनी चाहिए उनकी तो दिस इज क्वाड

दिस इज दिस इज केवाडिया यूनिटी डे देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेसिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई क्या है सफर क्या है न्यू चांदनी चौक चांदनी चौक अब इसमें हमारे रेलिवेंट क्या है कि हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे जनरल स्टडीज के पेपर में अर्बन प्लानिंग अर्बन मैनेजमेंट दिस चांदनी चौक रेडी हो जाएगा नोवर एंड फुटफॉल में दिस इज ड्रीम ग्लाइड कल एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था स्पंज वाला बहुत अच्छा था स्पंज सिटीज हैदराबाद जैसे फ्लड्स हो रहे हैं स्पंज सिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट देन कंस्ट्रक्शन नियर कुतुब मीनार दिस इज अबाउट ये जो सी प्लेन है ऐसे और भी प्लेन आएंगे बिसाइड्स बिगनिंग सी प्लेन जो सूरत में स्टार्ट हुआ दूसरे सी प्लेन सर्विसेज भी होगा पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक में अंडमान निकोबार आइलैंड में काजी रंगा असम में और दहली टू नैनी लेक हरिद्वार में ऋषिकेश तहरी डैम में यहाँ श्रीनगर लद्दाख उदयपुर सुन्दरबंश वेस्ट बंगाल जो बैक वाटर है केरला के बैक वाटर केरला के वेरी ब्यूटीफुल इन सब जगह भी हम इस टाइप के सी प्लेन की सर्विस स्टार्ट करेंगे टूरिज्म को बेनिफिट होगा इंडिया चाइना इंडिया पैक मस्ट बी दिस रेस्पेक्टेड टू री स्टोर नॉर्मल सी ई एम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने कहा है आई आर में एक और चीज ध्यान रखना है जो ऑफिशियल स्टैंड होता है ना गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्टेटमेंट दे रही है मोर और लेस वी हैव टू फॉलो दैट थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यूज पेपर सेंसेशनलिज्म इज नॉट समथिंग जो आप अपने आंसर में लिखोगे एम ई ए का जो मेच्योर रिस्पॉन्स होता है फॉलो दैट लाइन देन दिस इज नेटवर्क दिस इज नेटवर्क एंड दिस इज ओपिनियन पेज इंडियन एक्सप्रेस देन दिस इज द वर्ल्ड यू एस इलेक्शंस दिस इज अबाउट गवर्नमेंट फेसेस ही कोर्ट रूलिंग गोल्ड ई टी एफ पेपर बॉन्ड इफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ गया है डॉलर फाइव पॉइंट फोर बिलियन इन ऑल टाइम हाई कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था गोल्ड रिजर्व भी हैं ये भी बढ़े हैं बट ऑल दो चाइना से कंपेयर करें तो दिस इज वेरी लेस फाइव सिक्सटी पॉइंट फाइव थ्री टू बिलियन डॉलर है का. इसका कंपोजिशन यू शुड नो दे संज फेंटास्टिक इडली विद चटनी ज स्पोर्ट्स सो ये इंडियन एक्सप्रेस है अभी हम देखते हैं इटालियन पेनन्सूला पेनन्सूला मतलब थ्री साइड वॉटर दिस इज टी एड्रिया सी आयोनियन सी तो ये क्या हो गया ये पूरा हो गया पेनन्सूला ये पेनन्सूला बूट शेप का है तो उसको बूट शेप भी बोलते हैं अब यहाँ आइलैंड कौन से हैं एक तो ये सिसली है दिस इज सिली ये है सार्डीनिया दिस इज सार्डीनिया जो कॉर्सिका है वो फ्रांस के साथ है ओके okay? तो दीज आर सम आइलैंड्स इस पूरे मेडिटेरियन में एंटायर मेडिटेनियन इज इम्पोर्टेंट अगर हम इटली की बात करें पेनसुला की इटालिक पेनन्हा पे नाइन है एपे क्या है ये है और यहाँ पे एल्प्स है स्विट्जरलैंड ऊपर एल्प्स दे आर वेरी ब्यूटिफुल्ड एल्प्स एंड दिस एंटायर इज इटली कुछ माउंटेन्स हैं वॉलोइम के कारण बहुत फेमस हैं एक तो ये माउंट एटना है माउंट एटना सिसली एंड दिस इज माउंट वेसुवियस माउंट वेसुवियस एंड माउंट एटना ओके सार्डीनिया आइलैंड दिस इज सिली माउंट एटनिया आयोनियन सी दिस इज एड्रिया सी और यह है टायरेनियन सी ये रोम है रोम वेटिकन रोम सिटी देन दिस इज इटली रिवर्स यहाँ पे एक दिस इज टाइबर रिवर है और यहाँ ऊपर है दिस ओ रिवर ओ रिवर एंड दिस इज टाइबर रिवर सो दिस इज इटली इटालियन पेनसुला कि मिलान ट्यूरिन और फिर यहाँ पे फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड स्टार्ट हो जाएगा सो दिस इज इटालियन सी पेनसुलाइट सो दिस इज द मैप ऑफ इटालियन दिस इज अबाउट द कमिंग दुगेदर ऑफ द क्वाड क्वाड इन द सी दिस इज अमेंडमेंट लैंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट ये सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से याद होने चाहिए दीज पैक्ट्स देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस इज वर्क फ्रॉम होम एंड सी प्लेन्स टर्ड्स नॉर्मैलसी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव हरियाणा दिस ये सारे स्टेट्स का अभी स्टेट फॉर्मेशन डे है हमने ये प्रश्न भी देखा था पॉलिटी में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेशन का सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी कैसे स्टेट्स का बना है लुक लक्ष्मीकांत में बड़े अच्छे से दिया हुआ है स्टेट फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज हुआ कैसे नए नए राज्य बने यूटी बनते हैं फिर यूटी से स्टेटहुड में होता है सो है लुक दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट स्टेट फॉर्मेशन देन दिस इज गैलरी ये बड़ा अच्छा सवाल है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन योर आइडिया ऑफ बींग सिविल सर्वेंट बहुत क्लैरिटी आएगी आपको सो दिस इज फर्स्ट ऑफ नवंबर 2020 थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ